देखिए, ये मैं क्रोशिया का डिजाइन लाई हूँ। ये बहुत प्यारा डिजाइन, बहुत बढ़िया डिजाइन, बिनने में आसान, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं आप। या बच्चों को बनाओ, या बड़ा का कार्डिगन या कोटी बनाओ, तो ये हर चीज़ में बढ़िया दिखने वाला डिजाइन है। तो ये मैं बना के दिखा रही हूँ दूसरे पे कैसे बनेगा। ये चैन इतना बनाया हुआ है मैंने, अब ये देखिए इसके ऊपर कैसे बनेगा। ये अब ये हम शुरू कर रहे हैं। डबल क्रोशिया एक बना के फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में बनेगा। ये दूसरे चैन में बनेगा। एक चैन बनाएंगे, एक छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक। बीच में एक एक चैन बनता जाएगा, एक छोड़ के दूसरे में एक एक डबल क्रोशिया बनता जाएगा। एक चैन एक छोड़ के दूसरे वाले में, एक छोड़ के दूसरे चैन में, बीच बीच में एक एक चैन आएगा हर बार। एक चैन बना के और एक एक छोड़ के चैन में ये बनता जाएगा, पूरा पूरी लाइन ये ऐसी बनेगी। ये एक लाइन पूरी तैयार हो गई। अब दूसरी तरफ से हम इसमें बिनेंगे डबल क्रोशिया। फिर ये जो हमने बनाया है एक इसके ऊपर, यहाँ ये जो खाली जगह है एक इसमें, एक इसके ऊपर ऊपर ही बनेगा डबल क्रोशिया। बना है इसके ऊपर ही एक बनेगा डबल क्रोशिया। एक यहाँ बनेगा, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, एक इसके ऊपर, ये जो बनाए हैं हम इसके ऊपर एक।
अब ये 11 डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ये 10 हो गया, यहाँ ये 11 बनाना है डबल क्रोशिया। अब यहाँ हम इसके ऊपर 1 लंबा धागा खींचेंगे 2 बार 3 बार 4, और एक साथ सबको यहाँ बंद कर देंगे। फिर इसके ऊपर भी लेंगे, चार बार बना के फिर इसको एक साथ बंद कर देंगे, और यहाँ चैन नहीं बनाने हैं, सिर्फ इसी को बंद करके फिर हम यहाँ इस पे आएंगे, 1 2 3 4, चार बार बना के हम एक साथ इसको बंद कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पर ऐसी चार बार धागा खींचेंगे, फिर एक साथ इसको बंद कर देंगे। यहाँ आ गए, इसके ऊपर फिर ऐसी बनेगा, चार बार धागा खींच के एक साथ बंद कर देंगे। फिर से इसके ऊपर बनेगा, फिर इसको एक साथ बंद कर देंगे। अभी 6 बार बना है डिजाइन, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बना हुआ है। यहाँ एक चैन बना देंगे, हम अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में एक बनेगा, एक इसके ऊपर बनेगा, एक बीच में इसके। अब ये भी डबल क्रोशिया हम 11 बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये 10,
ये 11। अब ये इस तरह है, यहाँ मैं इसको छोड़ती हूँ। अब ये दूसरी तरफ से, अब ये जितने ही डबल क्रोशिया बना हुआ है सबके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। ये 11 बना हुआ था डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ऊपर ये 11 बन गया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक चैन बना देंगे, और अब यहाँ इसके ऊपर ये जो डिजाइन बना है इसके ऊपर फिर ये धागा खींच के 4 बार, 1, 2, 3, 4 चार बार भीन के एक साथ इसको बंद कर देंगे ऐसे। फिर इसके ऊपर ये डिजाइन है, इसी के ऊपर 1, 2, 3, 4 चार बार बुन के इसको एक साथ बंद कर देंगे ऐसे। ये सबके ऊपर ऊपर ही बनेगा। फिर इसको एक साथ बंद करना है ऐसे। फिर इसके ऊपर ही बनेंगे, हम 4 बार धागा खींचेंगे, 1, 2, 3, 4 फिर एक साथ हम इसको बंद करेंगे। इसके ऊपर डिजाइन के ऊपर ही बनेगा ये। फिर 4 बार धागा खींचेंगे, 1 बार में बंद कर देंगे। एक दो तीन चार, 4 बार धागा खींच के बीन के फिर एक साथ बंद करेंगे। अब ये 6 था, 6 डिजाइन नीचे बने थे, इसके ऊपर ऊपर ही 6 बन गए। यहाँ पे एक चैन बना देंगे, और इधर जितने हैं ये इसके ऊपर ऊपर ही बनेगा डबल क्रोशिया। सबके ऊपर ही बनेगा, 11 है तो ऊपर भी, इसके ऊपर भी 11 बन जाएगा ये डबल क्रोशिया।
अब ये जो नीचे 11 बना था इसके ऊपर भी 11 डबल क्रोशिया बन गया। ये दूसरी लाइन तैयार हो गई। अब ये तीसरी लाइन में एक बीच में चैन बना के फिर हम एक को छोड़ देंगे और ये दूसरा हम बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे जिस तरह नीचे ये बना हुआ है, एक चैन लेके एक क्रोशिया बना हुआ है वैसे इसके ऊपर भी बनेगा। ये एक छोड़ेंगे और ये दूसरे में फिर एक बीच में चैन, फिर एक छोड़ देंगे ये दूसरे में बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे बीच में, एक छोड़ के फिर ये दूसरे में बनाएंगे। एक चैन लेंगे और यहाँ एक छोड़ के एक छोड़ेंगे फिर इसमें फिर यहाँ एक चैन लेंगे और ये जो डिजाइन बना है इसके ऊपर यहाँ एक चैन और लेंगे और इसके ऊपर इस डिजाइन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे इसके ऊपर ऐसे एक चैन ले लेके ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये 6 डिजाइन है, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया आता है, ये 6 आ गया डबल क्रोशिया। अब एक चैन फिर लेके यहाँ हम इसमें नहीं बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे। एक चैन लेंगे बीच में फिर यहाँ बनाएंगे, एक चैन लेके एक छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे। एक चैन लेके ये छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे। एक छोड़ देंगे यहाँ दूसरे में बनाएंगे। ये तीसरी लाइन तैयार हुई। अब इसको हम यहाँ से जो ये डिजाइन है यहाँ लाएंगे, दोनों तरफ आ जाएगा ये डिजाइन। जैसे ये डिजाइन यहाँ यहाँ आएगा, अब ये वाला डिजाइन यहाँ और यहाँ आ जाएगा और ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ अब हम इसमें से ऐसे खींच के धागा जैसे बनाए शुरू में वैसे खींच के धागा यहाँ बनेगा। एक बार इसको बंद करना है। अब इसके ऊपर ऊपर ही बनता चला जाएगा ये। एक बार बंद कर देना है इसको। इसके ऊपर बनेगा फिर। एक बार बंद करेंगे इसको। ये तीन बन गया। ये फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ये इसके ऊपर ही बनता जाएगा। चार बार बुन के एक बार इसको एक साथ उतारना है। इसके ऊपर बनाएंगे ऐसे ही चार बार धागा खींचेंगे। एक दो तीन चार। फिर एक बार बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ बनाएंगे इसके ऊपर। चार बार धागा खींच के बनाने के बाद बंद करेंगे इसको। ये छह बन गया इधर डिजाइन। अब इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक, इसके बीच में फिर एक डबल क्रोशिया। इसके ऊपर एक इसके यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया। देखिए ये डिजाइन। अब इसके ऊपर ये वाला डिजाइन आ गया यहाँ और ये वाला डिजाइन ये फिर यहाँ आ जाएगा। ये डिजाइन यहाँ आएगा तो एक बीच में यहाँ पर चैन बना देते हैं और यहाँ फिर हम ये धागा जो पांच बार चार बार खींचना है। एक दो तीन चार और फिर एक बार बंद करना है इसको। इसके ऊपर ही बनेगा। जितना ये डबल क्रोशिया बना है इसके ऊपर ये धागा खींच के जो चार बार बनाने हैं। ऐसे और फिर एक बार बंद करना है।
एक बार बंद कर देना है इसको। एक दो तीन चार, चार बार बुन के इसको बंद कर देते हैं। अब ये चार डिजाइन बन गया, ये इसी के ऊपर फिर से बनेगा चार बार धागा खींच के। फिर ऐसे ही बंद करेंगे हम इसको एक साथ। ये छह डिजाइन बन गया यहाँ। ये दो लाइन में ही तैयार हो जाता है ये डिजाइन। जैसे एक बार हम यहाँ से गए और एक बार लाए, ये दो सिलाई दो बार में ये डिजाइन तैयार हो जाता है। ये एक बार हो गया, अब ये दूसरे बार फिर इसके ऊपर ही बनाएंगे हम। जैसे यहाँ नीचे बनाए वैसा यहाँ भी बनेगा अब इसके ऊपर। इसके ऊपर ऊपर ही डिजाइन बनता जाएगा चार चार बार धागा खींच के। ये दो तीन चार, फिर इसको बंद कर देना है। जैसे नीचे हमने बनाया ये वाला जो डिजाइन बनाया वैसे इसके ऊपर ये पहले, फिर इसके बाद ये बन जाएगा। देखिए ये बनता जाएगा ऐसा ही। फिर हमें इसको एक बार में उतार देना होता है। अभी छः के ऊपर छः डिजाइन बन गए। अब इसके ऊपर जो है इसके ऊपर फिर ये जैसे हमने बनाया है ये दो लाइन में बन रहा, एक ये लाइन बन गया, एक लाइन और बनेगा। फिर ये ऐसी बनता जाएगा, ये इसी को रिपीट करना है बार बार। और ये डिजाइन बदलता जाएगा, ये डिजाइन यहाँ आ जाएगा और ये डिजाइन यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे बड़ा भी आप बनाएंगे, जितना भी बड़ा मर्जी आप बना सकते हैं इसको, और छोटा बना सकते हैं जैसे भी
आपकी मर्जी वैसे बना सकते हैं इसको, और ये डिजाइन ऐसी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आता जाएगा डिजाइन। जैसे ये है हमने बनाया है इतना, तो ये पूरे डिजाइन बन के ऐसे आ जाएगा पूरा डिजाइन। तो आप किसी भी चीज़ में ये डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं ये, कोटी कार्डिगन बच्चों का या बड़ों का, किसी भी चीज़ में ये डालें तो प्यारा सुंदर लगता है और बहुत बनने में आसान है ये, और दो डिजाइन बन जाता है दो लाइन में ही।